हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के शुरू में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट पर्सन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकल के आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर हम इसकी कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये वैकेंसी कर्नाटका और गोवा रीजन के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कंप्लीट जानकारी की, स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सो जैसे कि आप वैकेंसी और पोजीशन देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की, जिसके लिए 10 वैकेंसीज है। सैलरी आपको दी जाएंगी 44,900 रुपीस। देन टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए 32 वैकेंसीज है और आपको 25,500 सैलरी दी जाने वाली है। उसी के साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जिसके लिए 29 वैकेंसी है और आपको यहाँ पे 18,000 सैलरी दी जाने वाली है। तो ये तीन पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, आप इनकी वैकेंसी भी देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो फर्स्ट पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे यदि आपकी डिग्री कंप्लीट रहती है बैचलर डिग्री, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पोस्ट के लिए भी सेम, यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट रहती है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जो थर्ड पोस्ट है उसके लिए सिर्फ आप 10th पास यहाँ पे रहना चाहिए। तो 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो थर्ड पोस्ट को यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट को 10th पास कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। देन अभी बात कर रहे थे एज लिमिट की। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स तक, तो मैक्सिमम 30 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट चाहिए। देन यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट सेकेंड पोस्ट के लिए 18 से लेकर 27 ईयर्स तक का एज लिमिट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 to 25 ईयर्स तक का एज लिमिट दे रखा है। तो आप हमने एज लिमिट भी देख ली है और यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ गाइस, अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ गेम्स की, स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, योगासना, पैरा स्पोर्ट्स। तो ये सारे गेम्स है इस लिस्ट के अंदर। आप यदि इसी गेम में से बिलोंग करते हो, इसके अंदर आपने कोई कॉम्पिटिशन खेली होंगी, तो आप यहाँ पे आग बंद करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स की लिस्ट तो देख ली, लेकिन यहाँ पे कौन से लेवल ऑफ स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन चाहिए वो हम देख लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, नेशनल कॉम्पिटिशन, और उसी के साथ साथ आपको साइड बाई साइड अथॉरिटी भी दिखाई दे रही होंगी, जो कि आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है इस गेम्स के अंदर, जो कि अवार्डेड अथॉरिटी रहती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी साथ में। तो इंटरनेशनल कंपटीशन में आप अथॉरिटी का नाम देख सकते हो, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न। देन नेशनल कंपटीशन में भी अथॉरिटी आप देख सकते हो, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में आप देख सकते हो। देन नेशनल स्कूल के जो रहते हैं स्पोर्ट्स गेम्स, उसके लिए आप देख सकते हो। देन यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव के लिए, तो ये सारे यहाँ पे अथॉरिटीज आपको दी गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 5 आपके कंपटीशन के हिसाब से आपको दिए जाते हैं, जो नोटिफिकेशन में एनेक्जर ए के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे वही आपको बोला गया है, मैं आखिरी में आपको दिखा भी दूंगा। तो इतने कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे, और यदि इसमें से किसी कॉम्पिटिशन में आपका भाग रहता है, आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपके जो स्पोर्ट्स भी है मैंने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ गाइस, मेन बात आ जाती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन आपका शॉर्टलिस्टिंग होने वाला है आपके स्पोर्ट्स के ऊपर से। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहेगा वो इंटरनेशनल कंपटीशन को दिया जाने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नोटिफिकेशन में हमें दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया होगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की तरफ से रहता है, तो उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाने वाला है स्टेट, यूनियन टेरिटरी, नेशनल चैंपियनशिप, जो कि ऑर्गेनाइज होती है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें यदि आपके पास में थर्ड प्लेस तक रहता है, मेडल रहता है, तो आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए। फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा हमारे स्कूल्स के नेशनल चैंपियनशिप को, जो स्कूल्स के थ्रू हम नेशनल खेलते हैं उसको फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिफ्थ प्रेफरेंस रहेगा नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव कैंडिडेट्स के लिए। तो जिन्होंने भी यहाँ पे नेशनल अवार्डेड है फिजिकल इफिशियंसी के अंदर आते हैं जो कैंडिडेट्स, उनको फिफ्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे जो लास्ट सिक्स्थ प्रेफरेंस है वो दिया जाने वाला है स्कूल में यदि हम रहते हैं और तब हम कोई स्टेट लेवल की मैच खेलते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सिक्स्थ प्रेफरेंस दिया जाना है, तो सबसे आखिरी में है। तो यदि आपने कोई स्कूल्स के थ्रू स्टेट खेला होगा तो आपको यहाँ पे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन होने के चांस भी यहीं पे है। नाउ गाइस, हमारा शॉर्टलिस्टिंग हो चुका है स्पोर्ट्स में से। तो स्पोर्ट्स में से शॉर्टलिस्टिंग आपका हो जाएगा, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा इनकी वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, आपका यदि यहाँ पर नाम आता है तो आप आगे एग्जामिनेशन को बैठोगे। कौन से एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन भी होने वाली है इसके बाद में। तो रिटर्न एग्जामिनेशन का भी आप क्राइटेरिया दिखाई दे रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। ये टोटल 2 आवर्स का रहने वाला है, 250 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको
पास होने के लिए मैक्सिमम 40% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे इसका डिटेल में सिलेबस आपको दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर। तो यदि आपको कौन से टॉपिक्स रीड करने हैं, आपको यदि वो सिलेबस देखना हो तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, आपको नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी मिल जाएंगी। और जो कि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी कि जो हमारे 250 मार्क्स की एग्जामिनेशन है उसमें से आपको 100 मार्क्स तो भी रहने चाहिए पास होने के लिए, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो ये बात भी एक अच्छी है कि हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम यहाँ पे पास हो सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा उसका जो हॉल टिकट रहेगा वो आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है आपको इनकी वेबसाइट पे इसका हॉल टिकट मिल जाएगा। वहीं पे आपको डेट, वेन्यू, कहाँ पे आपको जाना है एग्जामिनेशन के लिए, टाइम क्या है, वो उनके वेबसाइट पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आपके एग्जामिनेशन की डेट भी आपको वहीं पे पता चल जाएंगी। और गाइस जो हॉल टिकट रहेगा ये आप इनकी वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हो, और जब आप एग्जामिनेशन जाओगे तभी आपको हॉल टिकट की प्रिंट आउट और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप देख सकते हो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी लेके जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको अप्लीकेशन करना है उसकी। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लीकेशन करना पड़ेगा, और ऑफलाइन अप्लीकेशन करने के बाद में आपका अप्लीकेशन फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आपको पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप इन्हें सेंड करना है आपको। तो कहाँ पर सेंड करना है वो आगे बताऊँगा, पहले अप्लीकेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टिक करना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टिक करना है जिस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, और जिस पोस्ट को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो उसको क्रॉस करना है, तो ये ज़रूरी है। देन फोटो आपका पे अटैच करना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेनी, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या करना है, लेकिन आपको फॉर्म को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। देन यहाँ पे साइन करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर लेनी है, आपके क्वालिफिकेशन के डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। देन यहाँ पर साइन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जो भी स्पोर्ट्स आपने खेला होगा उसके सामने आपको टिक लगाना है। देन नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो अचीवमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, आपने कब वो स्पोर्ट्स खेला था, कौन सा मेडल आपको मिला, क्या पोजीशन रही थी, और उसका आपको, आप यदि इंटरनेशनल खेल रहे हो तो फॉर्म वन आपको अटेस्ट करना है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो फॉर्म वन भी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, ऊपर ही है इसके एनेक्जर ए के अंदर, तो वहाँ से प्रिंट करके उसके ऊपर अथॉरिटी की साइन लेके आप वो अटेस्ट कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आपका अप्लीकेशन होगा नहीं। देन यहाँ पर नीचे आएंगे तो सभी के लिए आप देख सकते हो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, और इस तरह से यहाँ पे आपको है। तो फीस पेड आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, तो फीस की आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है यस नो में आपने किस तरह से किया है वो भी आपको बताना है, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू फी किया है पे या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, उसकी डेट आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपको अटैच करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर आपके अप्लीकेशन के साथ में, तो वो अटैच करना ज़रूरी है। और उसी तरह आपको फ़ी पे करना है, डिक्लेरेशन आप देख सकते हो नीचे, देन सिग्नेचर करना, और हमारा अप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, या आपने अटैच किए हैं कि नहीं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा एस नो के अंदर। तो सिंपल है, अप्लीकेशन इस तरह से करना है, मैं आपको फॉर्म्स दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये है इंटरनेशनल के लिए फॉर्म वन नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ हमें फिलअप करके लेके आना है, अथॉरिटी की सिग्नेचर इस पर लेके आना पड़ेगा, बहुत से लोगों ने बनाया हुआ भी रहता है। ये फॉर्म टू है नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए, देन फॉर्म थ्री आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्म थ्री किसके लिए रहता है तो इंटर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए। देन यहाँ पे हमने स्टेट लेवल की कोई कंपटीशन खेली है उसके लिए आप देख सकते हो फॉर्म फोर आपको दिया गया है। देन यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव के कैंडिडेट्स के लिए भी फॉर्म दिया गया है। तो इस तरह से फॉर्म रहते हैं, हमें अथॉरिटी के सिग्नेचर पर लेके आना है। अभी हम फीस की बात कर रहे थे, कितनी फीस आपको करना पड़ेगा और किसे आपको अप्लीकेशन सेंड करना है। तो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हो 100 रुपीज़ हमें पे करना है, वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, PW कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना है, एक्स सर्विसमैन को भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट आप कर सकते हो नेशनलाइज बैंक के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका नाम आपको दिया गया है, तो इस नाम पे आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। आपको इनकम्प्लीट फिलअप नहीं करना है, वो कम्प्लीट जानकारी फिलअप करना है। आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर आप बात करते हैं कि हमें अप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर सेंड करने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एड्रेस हमें दिया गया है। तो आप जब पोस्ट करोगे तब आपको वहाँ पे एनवलप मिलेगा, उसके ऊपर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, और उसी के साथ साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अप्लीकेशन के साथ में जेरोक्स कॉपीज, और वो सब एनवलप के अंदर आपको डाल देने हैं, और दिए गए इस एड्रेस पर हमें सेंड करना पड़ेगा।
डेट्स के अंदर। कौन सी डेट है लास्ट डेट, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो लास्ट डेट आप देख सकते हो 24 मार्च 2023 लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे 6 फरवरी 2023। तो आपको 24 मार्च तक ये अप्लीकेशन सेंड कर देना है। गाइज जब आप अप्लीकेशन सेंड करोगे, गाइज एनवेलप के अंदर आपको 2 फोटोग्राफ भी आपके डाल देने हैं एक्स्ट्रा के, क्योंकि वहाँ पे लगने वाले हैं। और हम एक एनवेलप के अंदर एक ही अप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, ज़्यादा की अप्लीकेशन सेंड नहीं कर सकते, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, स्पोर्ट पर्सन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा। यदि आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो से लाइक करिएगा, और हाँ इस तरह की वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।